जब इनकी सरकार थी, इन्होंने भी राजीव गांधी आवास योजना में, नहीं इनकी तो कभी सरकार नहीं, कांग्रेस की विपक्ष की सरकार थी, ये कहीं 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 उनके साथ गलवैया डालते हैं। मंत्री जी ने कहा कि मेरी सरकार ने कुछ नहीं किया। सर मैं तो हम कांग्रेस में कभी रहा ही नहीं। इन सीटू स्लम डेवलपमेंट, क्योंकि इससे पहले जब इनकी सरकार थी, इन्होंने भी राजीव गांधी आवास योजना में, नहीं इनकी तो कभी सरकार नहीं, कांग्रेस की विपक्ष की सरकार थी, विपक्ष की सरकार थी, और ये कहीं 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 उनके साथ गलवैया डालते हैं। सुमन जी, आप बहुत सीनियर आदमी, प्लीज प्लीज बहुत सीनियर आदमी, कहीं कहीं ये गलवैया डालते हैं, कहीं कहीं आमने सामने खड़े होकर के गालियां भी देते हैं। तो इसलिए मैं तो जो विपक्ष बैठा है, ये मान के चल रहा हूँ कि जो कुछ किया गया वो उनकी देखरेख में किया गया होगा। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल संबंध नहीं रहे होंगे, लेकिन फिर भी मैं पिछली 2004 से 14 की जो सरकार थी, उसमें ये योजना राजीव आवास योजना के नाम से चली थी, और उसके अंदर लगभग इस योजना में पूरे 10 वर्ष में 38,000 करोड़ रुपए की लागत हुई थी। जबकि अभी जो 10 साल जो मकान बनाए गए हैं, 80 लाख से ऊपर मकान बना करके वितरित किया जा चुके हैं, उस पूरी योजना में केवल एक उस इन सीटू योजना, जिसको ISSR कहा जा रहा है, उसमें अकेले में 50,000 करोड़ रुपए के मकान बना के दिए जा चुके हैं, जबकि अन्य 3 वर्टिकल वो उसके अतिरिक्त है। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि हम झुग्गी झोपड़ी की चिंता, हमको बहुत चिंता है, अंत्योदय की भावना से हम काम करते हैं, जो सबसे गरीब है उसको पहले लाभ मिलना चाहिए, लेकिन जितनी योजना प्रदेश सरकार बना के भेजती है, हम प्रदेशों के ऊपर छोड़ते हैं, उसकी जो गाइडलाइंस हैं, उन गाइडलाइंस के आधार के ऊपर प्रदेश के लोग जो डिमांड करते हैं, हम उसको अप्रूव करते हैं। अब अप्रूवल देने में सबसे बड़ी कठिनाई आती है, कैसे झुग्गी झोपड़ी के जो लोग हैं, ज़्यादातर वो सरकारी ज़मीनों पर कब्जा किए होते हैं और उनकी अपनी ज़मीन होती नहीं है। हमारी योजना में यह है कि उसके पास अगर अपनी ज़मीन है तो उसको भी प्राथमिकता दी जाए, ताकि गरीब लोग जो थोड़ा छोटा एक प्लॉट रखते हैं अपने पास, अगर पहले चरण में उनको दे दिया जाता है तो वो अपने प्लॉट के बाद थोड़े पैसे में भी अपना मकान बना सकते हैं। इसी प्रकार कुछ सरकारों ने ऐसा भी किया कि उन्होंने जमीनों का प्रबंध अपने आप किया, और हमारे से इस योजना में ISSR में उन्होंने हमारे से लाभ उठाया है। प्रदेश सरकारें कैसी योजनाएं बनाती हैं, ये उन पर निर्भर करता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम थोड़ा सा जो मानव मध्यवर्गीय भी है, उसके पास भी अपना मकान नहीं है, उसके मकान की योजना न बनाए। हमारे प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है हाउसिंग फॉर ऑल, सबको मकान होना चाहिए, कोई भी व्यक्ति इसके सिर के ऊपर छत ना हो, ऐसा नहीं रहना चाहिए। अगर कहीं भी प्रदेश से, क्योंकि नई योजना में ये 1 करोड़ मकानों की ऑफर प्रदेशों को दी जाएगी, वो अगर इस नई योजना में झुग्गी झोपड़ी की योजना ज्यादा बड़ी बना के देते हैं, तो हम उनको उसको एलोकेशन करने में प्राथमिकता देंगे। सेकंड सप्लीमेंट्री, डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल। सर मंत्री जी ने कहा कि मेरी सरकार ने कुछ नहीं किया। सर मैं तो हम कांग्रेस में कभी रहा ही नहीं। सर एक मिनट, सर मेरे को, सर मंत्री जी ने इल्जाम लगाया, सर सर मैं नहीं करना चाहता, पर मंत्री जी ने स्पेसिफिकली बोला नहीं, तो मुझे सर स्पष्टीकरण का तो हक देंगे ना सर। छोटी बात से रुकना नहीं है सर, वो बात और हो गई नहीं सर। आप सेकंड सप्लीमेंट्री पूछिए सर, पहली सप्लीमेंट्री का जवाब आ गया, प्लीज सर सेकंड सप्लीमेंट्री। माननीय मंत्री जी बोल सकते हैं तो मुझे बोलने का भी हक दीजिएगा ना सर। नहीं, आप सेकंड सप्लीमेंट्री का दे रहा हूँ सर, मेरा अधिकार है। पॉलिटिक्स में 2022 में आया हूँ। नहीं नहीं, तो इसके लिए मनोहर लाल खट्टर जी तो जिम्मेवार नहीं है। सर डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल, सर धन्यवाद। सर अर्बन प्लानिंग के लिए सरकार ने 2015 में स्मार्ट सिटीज मिशन शुरू किया था, और सरकार के मुताबिक इस मिशन के अंतर्गत 90% काम हो चुका है। प्लीज प्लीज ऑनरेबल मेंबर्स,
ठीक है, डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल, डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल, प्लीज आस्क फॉर सप्लीमेंट्री, आस्क फॉर सप्लीमेंट्री प्लीज। किरण जी, थैंक यू जिया जी फॉर सपोर्टिंग मी। सर, अर्बन प्लानिंग मिशन में सरकार ने 2015 में स्मार्ट सिटीज योजना शुरू की थी, और सरकार के मुताबिक स्मार्ट सिटी मिशन में 90% काम पूरा हो चुका है, परंतु जब हम स्मार्ट सिटीज की रियलिटी को देखते हैं, देश में एक भी सिटी स्मार्ट सिटी नजर नहीं आता है। सर, जबकि सरकार, आपका प्रश्न पूछिए। सर, क्वेश्चन ही है जी, सरकार 47,000 करोड़ रुपया खर्च कर चुकी है, जो कि टैक्स पेयर की मनी है। सर, क्या सर सरकार अपने द्वारा जो 90% काम पूरा करने का दावा कर रही है, उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए कोई थर्ड पार्टी ऑडिट कराएगी और उसकी रिपोर्ट यहां पेश करेगी? माननीय मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, एक से प्लीज, व्हाट इज दिस? अध्यक्ष महोदय सुनिए, व्हाट इज दिस प्लीज, अध्यक्ष महोदय, नो इंटरफियरेंस इन द हाउस प्लीज, नो प्लीज। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जानते हैं, ये एक सेकंड प्लीज, ये अक्सर देखा गया है कि स्मार्ट सिटी का जो कंसेप्ट है ना, उसमें स्मार्टनेस देखते हैं। आप विस्तार से बताइए कि स्मार्ट सिटी के जो कंटूर्स हैं, जिनका एक बहुत बड़ा उद्देश्य है, उसके बारे में विवरण देंगे तो माननीय सदस्य की पूरी भ्रांति दूर हो जाएगी। स्मार्ट सिटी हैज सेवरल फैसेट्स जो इनविजिबल हैं, वो ऐसे हैं। माननीय मंत्री जी, सर, चेयरमैन को कभी कभी तो बोलने दीजिए। विकास जी, विकास की बात हो रही है, विकास की बात होने दीजिए, विकास के बीच में मत आइए, विकास भट्टाचार्य जी। माननीय मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, वैसे संविधान के 12वें शेड्यूल में जो स्पष्ट लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन के अर्बन प्लानिंग इंक्लूडिंग टाउन प्लानिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सप्लीमेंट्स द एफर्ट्स ऑफ द स्टेट थ्रू सिमेटिक इंटरवेंशंस एडवाइजरीज, इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट टू द स्टेट। पहला विषय तो ये है कि स्मार्ट सिटी का जो भी प्रोजेक्ट है, हमने एक प्रोजेक्ट को अनाउंस करके उसमें एक प्रोग्राम बनाया कि देश भर की 100 सिटीज में कुछ टेक्नोलॉजी से आधारित ईज ऑफ लिविंग सिस्टम को बनाने के लिए, और एक प्रोजेक्ट की सूची ये हमने सभी स्टेट्स को दी, और कहीं भी किसी स्टेट को अपने शहर को स्मार्ट सिटी के अंतर्गत लाना है तो उसके लिए बहुत बड़ी प्रेजेंटेशन करने के बाद उसके 4 फेजेज में और शहरों का चुनाव हुआ, 100 शहरों का चुनाव हुआ, लगभग 500 करोड़ रुपया हर शहर को देने की बात थी, और उन प्रोजेक्ट्स के बारे में लगभग 8,300 प्रोजेक्ट ये हमारी ओर से अप्रूव हुए, और अप्रूवल में उस 48,000 करोड़ रुपए को लगाने के लिए स्टेट्स में ये पूरी अथॉरिटीज बनाई गई, हर स्टेट में बनी, जिलों में बनी, या उस कारपोरेशन में या शहर में जो स्मार्ट सिटी बननी थी वहां अथॉरिटीज बनाई गई, और उसके बाद अप्रूवल, और उसके बाद उसका जितना भी रिव्यू करने का काम है वो उन्हीं अथॉरिटीज का है। हमने तो केवल उस पैसे को भेजने के बाद जो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दे देते हैं, उसके बाद उसका पहले पैसा जारी करते हैं, फिर यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देते हैं, बचा हुआ पैसा और देते हैं। हमारा काम जितना है वो उनको असिस्ट करना है। असिस्ट करने के बाद हाँ, कहीं पर्टिकुलर किसी स्थान की शिकायत मिलती है तो हमारे कमेटी बनी हुई है डिपार्टमेंट की, वो उसकी प्रदेश को भेजती है अथॉरिटी को, हमें भी कोई कमेटी में जाकर के उसका कोई किसी प्रकार का रिव्यू करना होता है, उसको हम करते हैं, अन्यथा ये सारी जिम्मेदारी स्टेट्स की है।
ये 100 सिटीज बनाए इसलिए गए थे कि एक मॉडल सिटीज ये बने और बाकी शहरों को उसी के आधार पर उसका रेप्लीकेट करके और अन्य शहरों में भी उसका काम किया जाए। अन्यथा शहर तो 5000 है लगभग, और 5000 शहरों में 100 शहर सारे शहर बनाने की स्कीम नहीं है, केवल वन टाइम स्कीम थी जिस पर अभी लगभग 46,000 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है और 2400 करोड़ रुपया इस बार जारी करके पूरा 48,000 करोड़ रुपए के मार्च 2025 तक ये प्रोजेक्ट पूरा कर दिया जाएगा। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.